हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं फिर हाजिर हूँ अपनी बुक के साथ, रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड का मैं लेसन 7 पढ़ूंगी आज, अध्याय 7, बाधाओं को पार करना। इसके साथ ही मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ कि मेरा 2 बजे लाइव चलता है, जिसपे मैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देती हूँ, जिससे कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगर किसी को हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसका सलूशन वहाँ पर बताया जाता है। तो आप सब उस लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 2 बजे फेसबुक पे लाइव रहती हूँ और वहाँ मैं सभी समस्याओं का सलूशन बताती हूँ। मतलब कि जो मेरे पास रहता है उसे मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा के बताती हूँ कि ये क्या समस्या और इसका हल कैसे हो सकता है। तो ठीक है, चलिए मैं अभी अपना बुक रीडिंग का वर्क शुरू करती हूँ। बाधाओं को पार करना। किसी अमीर आदमी और किसी गरीब आदमी के बीच में मूलभूत अंतर यही होता है कि वे डर से मुकाबला कैसे करते हैं। जब लोग अध्ययन करके वित्तीय साक्षरता सीख लेते हैं, इसके बाद भी वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र बनने की राह में कई बाधाएं आ सकती है। 5 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से वित्तीय दृष्टि से साक्षर लोग संपत्ति वाले कालम को इतना ज्यादा नहीं बढ़ा पाते कि उससे भारी कैश फ्लो उत्पन्न हो। ये 5 कारण है। डर, पहला है डर, दूसरा है निराशावाद, तीसरा है आलस, चौथा है बुरी आदतें, 5वां है अहंकार। तो इसमें ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कितना भी किताबें पढ़ ले, सब कुछ कर ले, लेकिन अगर ये 5 बुरी आदतें उसके अंदर हैं, तो भी वह वित्तीय रूप से साक्षर होने के बाद भी अपने मतलब कि पैसे वाले कालम को बढ़ा नहीं सकता। पहला है डर, दूसरा है निराशावाद, तीसरा है आलस, बुरी आदतें और 5वां अहंकार। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने ये बुरी आदतों को छोड़ा जाए। तो अब यहाँ पे ये सब बताया गया है कि इसको कैसे करना है। डर को पार करना। मैं आज तक ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला जिसे पैसे गंवाना अच्छा लगता हो, और आज तक मैं कभी किसी ऐसे अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी पैसा ना गंवाया हो। लेकिन मैं बहुत से गरीब लोगों से जरूर मिला हूँ जिन्होंने एक भी पैसा नहीं गंवाया। मेरा मतलब है निवेश करने में। पैसे गंवाने का डर असली होता है। यह डर हर किसी को लगता है, अमीरों को भी, लेकिन समस्या डर लगना नहीं है। निर्णायक बात तो यह है कि आप इस डर को भी, लेकिन समस्या डर लगना नहीं, निर्णायक बात तो यह है कि आप इस डर से कैसे मुकाबला करते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि पैसे गंवाने के बाद आप स्थिति से कैसे निपटते हैं, आप असफलता को किस तरह लेते हैं, उसी से आपको जीवन में फर्क पड़ता है। किसी अमीर आदमी और किसी गरीब आदमी के बीच में मूलभूत अंतर यही होता है कि वे उस डर से कैसे मुकाबला करते हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है। पैसों के मामले में डरपोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। इसके बावजूद आप अमीर बन सकते हैं। हम सभी किसी एक चीज में बहादुर होते हैं और किसी दूसरी चीज में कायर। मेरे मित्र की पत्नी आपातकालीन कक्ष में नर्स है। जब भी वह खून देखती है फुर्ती से काम में जुट जाती है। जब मैं निवेश का जिक्र करता हूँ तो वह दूर भाग जाती है। जब मैं खून देखता हूँ तो मैं भागता नहीं हूँ, मैं तो बेहोश हो जाता हूँ। मेरे अमीर डैडी धन संबंधी डरों को समझते थे। वे कहते थे कुछ लोग सांप से डरते हैं, कुछ पैसे गंवाने से डरते हैं, दोनों ही फोबिया या भय है। तो पैसे गंवाने के डर का उनका समाधान यह छोटा वाक्य था। अगर आप जोखिम और चिंता से नफरत करते तो जल्दी शुरू कर दें। इसलिए बैंक बचपन से ही बचत की आदत डालने की सलाह देते हैं। अगर आप कम उम्र में ही शुरू कर देते हैं तो अमीर बनना ज्यादा आसान होता है। मैं यहाँ विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन 20 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले और 30 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले दो लोगों की दौलत में भारी अंतर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति विश्व का एक अजूबा है। कहा जाता है कि मैनहट्टन टापू की खरीदारी सबसे सस्ते सौदे में से एक रही थी। न्यूयॉर्क को $24 मूल्य के सस्ते आभूषणों और मालाओं में खरीदा गया था। लेकिन जरा हिसाब लगाए, अगर उस $24 को 8% सालाना ब्याज पर निवेश कर दिया जाता तो 1995 तक वही $24 $28 ट्रिलियन से ज्यादा हो जाता। इतने पैसे मैनहट्टन को दोबारा खरीदा जा सकता था, और इसके बाद भी इतना पैसा बच जाता कि लास्ट एजेंसी का ज्यादातर हिस्सा भी खरीदा जा सकता था। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा समय ना बचा हो या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हो तो क्या करें? आप पैसे गंवाने के अपने डर को कैसे दूर करें?
मेरे गरीब डैडी ने कुछ नहीं किया, वे सिर्फ इस मुद्दे से कतराते रहे और इस बारे में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुए। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी सलाह देते थे कि मैं टेक्सास के लोग जैसी मानसिकता रखूं। वे कहा करते थे, मैं टेक्सास और वहां के लोगों को पसंद करता हूं। टेक्सास में हर चीज बड़े पैमाने पर होती है। जब टेक्सास के लोग जीतते हैं तो वह भारी जीत होती है, और जब वे हारते हैं तो वह हार भी अद्भुत होती है। मैंने पूछा, वे हारना पसंद करते हैं? अमीर डैडी ने कहा, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है, कोई भी हारना पसंद नहीं करता। मुझे एक खुश पराजित व्यक्ति दिखा दो और मैं तुम्हें जीवन भर पराजित होने वाला इंसान दिखा दूंगा। मैं तो जोखिम, पुरस्कार और असफलता के बारे में टेक्सास के लोगों के नजरिए की बात कर रहा हूँ। वे इसी तरीके से जीवन जीते हैं। वे इस बड़े पैमाने पर जीते हैं, यहाँ आसपास के ज्यादातर लोगों की तरह नहीं, जो पैसे के मामले में कॉकरोच की तरह जीते हैं। जो किसी के रोशनी चमकने के विचार पर ही घबरा जाते हैं, और जब किराने वाला चिल्लर में चवन्नी कम देता है तो रोने धोने लगते हैं। अमीर डैडी ने आगे कहा, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वह है टेक्सास का नजरिया। जब वे जीतते हैं तो उन्हें गर्व होता है, और जब वे हारते हैं तो वे डींगे हांकते हैं। टेक्सास में एक कहावत है, अगर तुम दिवालिया होने वाले हो तो बड़े पैमाने पर हो। इसलिए अगर कोई एक डुप्लेक्स की वजह से छोटे पैमाने पर दिवालिया होता है तो वह उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। वे लगातार माइक और मुझे बताते थे कि वित्तीय असफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि ज्यादातर लोग इस खेल को बहुत ही सुरक्षात्मक अंदाज से खेलते हैं। उनके शब्द थे, लोग हारने से इतना घबराते हैं कि वे हार जाते हैं। महान एनएफएल क्वार्टरबैक फ्रैंक टार्केटन ने इसी बात को दूसरी तरफ कहा, जीतने का मतलब है हारने से नहीं डरना। मैंने अपनी जिंदगी में इस बात पर गौर किया है कि जीत आमतौर पर हार के ठीक बाद आती है। साइकिल चलाना सीखने से पहले मैं कई बार गिरा। मैं आज तक किसी ऐसे गोल्फ खिलाड़ी से नहीं मिला जिसे कभी कोई गोल्फ बॉल ना खोई हो। मैं ऐसे प्रेमियों से नहीं मिला जिनका दिल कभी ना टूटा हो, और मैं आज तक किसी ऐसे अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी पैसा ना गवाया हो। तो ज्यादातर लोग वित्तीय दृष्टि से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि पैसे गंवाने का दर्द अमीर बनने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। टेक्सास में एक और कहावत है, हर व्यक्ति स्वर्ग तो जाना चाहता है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। ज्यादातर लोग अमीर बनने के सपने तो देखते हैं लेकिन वे पैसे गंवाने को लेकर दहशत में रहते हैं, इसीलिए वे कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। अमीर डैडी माइक और मुझे अपनी टेक्सास यात्राओं की कहानियां सुनाते थे। अगर तुम सचमुच यह नजरिया सीखना चाहते हो कि जोखिम, हार और असफलता को कैसे संभाला जाता है तो सैन एंटोनियो जाकर एलोमो की यात्रा कर लो। यहाँ पे एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें कि स्वर्ग तो हर कोई जाना चाहता है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। मतलब कि मतलब सफल हर कोई होना चाहता है लेकिन सफल आदतें कोई अपनाना नहीं चाहता। इसी तरह पैसे तो हर कोई कमाना चाहता है लेकिन पैसे लगाना कोई नहीं चाहता। मतलब कि हम कुछ देने के लिए तैयार नहीं होते लेकिन हम पाना सब कुछ चाहते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी अफसोस की बात है, और जिसकी वजह से हम वही करते रह जाते हैं जो हम लगातार करते रहते हैं, क्योंकि हम में रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होती, हम में अपने डर से निकलने का साहस नहीं होता। ये उसी तरह हो गया कि स्वर्ग हर किसी को चाहिए लेकिन मरने को कोई तैयार नहीं है। मतलब कि मरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है लेकिन चाहिए सबको पर मरना कोई नहीं चाहता। उसी तरह दौलतमंद हर इंसान बनना चाहता है, हर आदमी चाहता है उसको बहुत पैसे मिले लेकिन पैसे कोई देना नहीं चाहता। तो बिना कुछ दिए कुछ मिलता नहीं है, ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। जो लोग इस बेवकूफी में रहते हैं कि मुझे कुछ दिए बिना सब कुछ मिल जाएगा, उन्हें जिंदगी भर कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ दूसरों को देखते ही रह जाते, दूसरों की बुराई करते रह जाते हैं और यही उनकी लाइफ होती है, और इसी तरह वो दुनिया से चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी उनके पास बहुत सारा पैसा आता है। तो जोखिम उठाना, मतलब कि चाहते हो कि जोखिम, हार और असफलता को कैसे संभाला जाता है तो सैन एंटोनियो जाकर एलोमो की यात्रा कर लो। एलोमो उन बहादुर लोगों की महान गाथा है जिन्होंने लड़ने का विकल्प चुना। हालांकि वे जानते थे कि सफलता की कोई उम्मीद नहीं है, उन्होंने समर्पण करने के बजाय मरने का विकल्प चुना। यह पढ़ने के काबिल एक प्रेरक कहानी है। बहरहाल यह एक दुखद सैन्य पराजय है, वे अंततः हार गए। लेकिन टेक्सास के लोग असफलता का सामना कैसे करते, वे अब भी चिल्लाते हैं, एलोमो को याद रखो।
माइक और मैंने यह कहानी बहुत बार सुनी थी। जब वे कोई बड़ा सौदा करने वाले होते थे और घबरा रहे होते थे, तब वे हमें हमेशा यही कहानी सुनाते थे। जब वे निवेश की अच्छी तरह जांच परख लेते थे और निवेश करने या छोड़ने का समय आ जाता था, तब वे हमें यह कहानी सुनाते थे। जब भी वे कोई गलती करने या पैसे गंवाने से घबराते थे, तो हर बार वे हमें यह कहानी सुनाते थे। इससे उन्हें शक्ति मिलती थी, क्योंकि यह कहानी उन्हें याद दिलाती थी कि वे हमेशा आर्थिक घाटे की आर्थिक विजय में बदल सकते हैं। अमीर डैडी जानते थे कि यह सफलता उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत और चतुर बनाएगी। ऐसा नहीं है कि वे हारना चाहते थे, वे तो बस जानते थे कि वे कौन थे और वे पराजय का कैसा सामना करेंगे। वे उस पराजय को विजय में बदल लेंगे। इसी विजय से विजेता और दूसरी पराजित, इससे उन्हें सीमा लांघने का साहस मिला, जबकि बाकी पीछे हट गए। इसलिए मैं टेक्सास के लोगों को इतना ज्यादा पसंद करता हूँ। वे कहते थे, उन्होंने एक भारी असफलता को लेकर उसे प्रेरणा में बदल दिया। साथ ही एक पर्यटन स्थल में भी, जिसने करोड़ों डॉलर की आमदनी होती है। लेकिन आज उनके जो शब्द मेरे लिए सबसे ज्यादा अर्थपूर्ण है, वे शायद है, टेक्सास के लोग अपनी असफलताओं को दफनाते नहीं है, वे उनसे प्रेरित होते हैं। वे अपनी असफलताओं को प्रेरक नारों में बदल देते हैं। असफलता टेक्सास के लोगों को विजेता बनने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन यह फार्मूला सिर्फ टेक्सास लोगों का ही फार्मूला नहीं है, यह तो सभी जीतने वालों का फार्मूला है। मतलब कि जो लोग हारने से डरते हैं, वो कभी जीतते भी नहीं है। जीतने के लिए हारना भी जरूरी है। हार में एक मतलब कि या तो इंसान जीतता है या सीखता है, हारता कभी भी नहीं है। मतलब अगर आप हार रहे हो तो कुछ सीख रहे हो, और सीखना है जीतने के लिए। तो हारने से कभी डरना नहीं, और अगर हार होती है तो उससे सीखना है। मैं कह चुका हूं कि अपनी साइकिल के बार बार गिरना उसे चलाना सीखने का हिस्सा था। मुझे याद है कि गिरने के बाद मेरा साइकिल चलाना सीखने का निश्चय कम नहीं ज्यादा बढ़ाया था। मैंने यह भी कहा है कि मैं कभी किसी ऐसे गोल्फ खिलाड़ी से नहीं मिला जिसने कभी बाल ना खोई हो। शीर्ष पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी जब बाल खो देते हैं या टूर्नामेंट हार जाते हैं, तो इससे उन्हें बेहतर बनने, ज्यादा कड़ा अभ्यास करके अधिक अध्ययन करने की प्रेरणा मिलती है। इसी से वे ज्यादा बेहतर बनते हैं। जो अंदर से विजेता होते हैं, हार उन्हें प्रेरित करती है। जो अंदर से पराजित होते हैं, वे हारने के बाद हिम्मत छोड़ देते हैं। मुझे जॉन डी रॉकेफेलर का यह कथन दोहराना अच्छा लगता है, मैं हमेशा हर विपदा को अवसर में बदलने की कोशिश करता था। और जापानी अमेरिकी होने के नाते मैं यह कह सकता हूँ, कई लोग कहते हैं कि पर्ल हार्बर अमेरिकी गलती थी, मैं कहता हूँ कि यह जापानी गलती थी। टोरा 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 फिल्म में एक गंभीर जापानी एडमिरल अपने उत्साह बढ़ाने वाले अधीनस्थों से कहता है कि मुझे डर है कि हमने एक सोए हुए दैत्य को जगा दिया है। पर्ल हार्बर को याद करो, एक प्रेरक नारा बन गया। इसने अमेरिका के भारी नुकसान को विजय के कारण में बदल दिया। इसी भारी पराजय ने अमेरिका को शक्ति दी और अमेरिका जल्दी विश्व महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है और असफलता पराजितों के हौसले पस्त कर देती है। यह विजेताओं का सबसे बड़ा रहस्य, यह वह रहस्य जिसे हारने वाले नहीं जानते। विजेताओं का सबसे बड़ा रहस्य है कि असफलता जीतने के लिए प्रेरित करती है, इसीलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता। मैं फ्रेंड टाकेंटन के उदाहरण को दोहराना चाहूंगा, जीतने का मतलब है हारने से नहीं डरना। फ्रेंड टाकेंटन जैसे लोग हारने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वे जानते हैं कि वे कौन है। वे हारने से नफरत करते, इसीलिए वे जानते हैं कि हारने से उन्हें बेहतर बनने की ही प्रेरणा मिलेगी। हारने से नफरत करने और हारने से डरने के बीच एक बड़ा फर्क होता है। अधिकतर लोग पैसे गंवाने से इतना ज्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं। वे एक डुप्लेक्स की वजह से दिवालिया हो जाते हैं। वित्तीय दृष्टि से वे जीवन को बहुत सुरक्षित और बहुत छोटे स्तर पर खेलते हैं। वे बड़े मकान और बड़ी कारें तो खरीद लेते हैं, लेकिन बड़े निवेश नहीं खरीदते। 90% अमेरिकी जनता पैसे के लिए संघर्ष करती है। इसका मुख्य कारण यह है कि वे हार से बचने के लिए खेलते हैं, वे जीतने के लिए नहीं खेलते। वे अपने वित्तीय नियोजकों या अकाउंटेंट्स या स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाकर एक संतुलित पोर्टफोलियो खरीद लेते हैं। ज्यादातर के पास बहुत सारी नकदी, एफडी, कम ब्याज वाले बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स और कंपनियों के कुछ शेयर होते हैं। यह एक सुरक्षित और समझदारी भरा पोर्टफोलियो है, लेकिन यह विजेता का पोर्टफोलियो नहीं है। यह तो उस व्यक्ति का पोर्टफोलियो है जो हार से बचने के लिए खेल रहा है। मुझे गलत ना समझे, शायद यह बाकी के 70% जनसंख्या से बेहतर पोर्टफोलियो है। कितनी डराने वाली बात है, और सुरक्षित पोर्टफोलियो होना पोर्टफोलियो ना होने से बेहतर है। बहरहाल यह उस व्यक्ति के लिए बेहतरीन पोर्टफोलियो है जो सुरक्षा से प्रेम करता है। लेकिन सुरक्षात्मक अंदाज में खेलना और अपने निवेश पोर्टफोलियो को संतुलित करना वह तरीका नहीं है जिससे सफल निवेशक खेल को खेलते हैं। अगर आप
आपके पास कम पैसा है और आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको संतुलित नहीं केंद्रित बनना होगा। किसी भी सफल व्यक्ति को देख ले, आपको दिख जाएगा कि शुरुआत में वे संतुलित नहीं थे। संतुलित लोग कहीं नहीं पहुंच पाते, वे एक ही जगह पर रुके रहते हैं। प्रगति करने के लिए आपको पहले थोड़ा असंतुलित होना पड़ता है। यदि मेरी बात पर यकीन ना हो तो खुद पैदल चलकर देख ले। टॉमस एडिसन संतुलित नहीं थे, वे केंद्रित थे। बिल गेट्स संतुलित नहीं थे, वे केंद्रित थे। डोनाल्ड ट्रम्प केंद्रित है, जॉर्ज सोरोस केंद्रित है। जॉर्ज पेटन ने अपने टैंकों को बहुत बड़े दायरे में नहीं फैलाया, उन्होंने उन्हें एक जगह केंद्रित किया और जर्मन सेना के कमजोर हिस्से को उड़ा डाला। मेजिनॉट लाइन के मामले में फ्रांसीसियों ने अपने सैन्य बल को छितरा लिया था और आप जानते ही हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। यदि आप में अमीर बनने की इच्छा है तो आपको केंद्रित होना होगा। वह ना करे जो गरीब और मध्यवर्गीय लोग करते हैं, बहुत सी टोकरियों में थोड़े थोड़े अंडे रखना, बहुत सारे अंडे थोड़ी थोड़ी सी टोकरियों में रखे और केंद्रित हो जाए, एक ही दिशा में चलते रहे जब तक कि सफल ना हो जाए। यदि आपको हारने से नफरत है तो सुरक्षात्मक खेले। अगर हारने से आप कमजोर बनते हो तो सुरक्षात्मक खेले। संतुलित निवेश का रास्ता चुने। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है और जोखिम उठाने से आपको डर लगता है तो बदलने की जरूरत नहीं है, सुरक्षात्मक ही खेलते रहे। बस जल्दी शुरुआत कर दे, अपने रिटायरमेंट के अंडे जल्दी इकट्ठे करना शुरू कर दे क्योंकि इससे समय लगेगा। लेकिन अगर आपके मन में आजादी के सपने हैं, चूहा दौड़ से बाहर निकलने की हसरत है तो खुद से पहला सवाल यह पूछे, मैं असफलता पर कैसी प्रतिक्रिया करता हूँ। अगर असफलता आपको जीतने के लिए प्रेरित करती है तो शायद आपको इस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ शायद। अगर असफलता आपको कमजोर बनाती है या इसकी वजह से आप बौखला जाते हैं उस बिगड़े बच्चे की तरह जो कोई चीज गलत होने पर हर बार मुकदमा दायर करने के लिए वकील ढूंढता है, तो इस सुरक्षात्मक अंदाज में ही खेले। दिन की नौकरी करते रहे या ब्रांड या म्यूचुअल फंड खरीदे। याद रखें, हालांकि तुलनात्मक रूप से ये ज्यादा सुरक्षित होते हैं, मगर इन वित्तीय साधनों से में भी जोखिम होता है। मैं टेक्सास और फ्रेंट टार्कनेंटन की जिक्र करते हुए सब इसलिए कहता हूँ क्योंकि संपत्ति वाले कालम को भरना आसान है। यह दरअसल कम बुद्धि का खेल है, इसमें ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं है। 5वीं ग्रेड का गणित का विद्यार्थी भी यह कर सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति वाले कालम को बनाना एक ऐसा खेल है जिसमें नजरिया काफी बड़ी भूमिका निभाता है। इससे साहस, धैर्य और असफलता के प्रति बेहतरीन नजरिए की जरूरत होती है। पराजित लोग असफल होने से कतराते हैं और असफलता पराजितों को विजेताओं में बदल सकती है। एलमो को याद करो, निराशावाद को पार करना। आसमान गिर रहा है हम में से ज्यादा तो लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं जो विनाश की चेतावनी देता हुआ दौड़ रहा था। हम सभी ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं, हम में से हर एक के भीतर एक छोटा मुर्गा रहता है। जैसा मैंने पहले बताया था, निराशावादी व्यक्ति दरअसल एक छोटा मुर्गा होता है। जब शंका और डर हमारे विचारों पर हावी हो जाती है तो हम सभी छोटे मुर्गे की तरह बन जाते हैं। शंकाएं हम सभी के मन में होती है, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, अमुक मुझसे बेहतर है। हमारी शंकाएं हमें निष्क्रिय बना देती है, हम क्या होगा वाला खेल खेलने लगते हैं। अगर मेरे निवेश करने के ठीक बाद अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई तो क्या होगा। अगर मेरा नियंत्रण खत्म हो जाए और मैं समय पर पैसे ना लौटा सकूं तो क्या होगा। अगर चीजें मेरी योजना के हिसाब से नहीं होती तो क्या होगा। या हमारे मित्र या प्रियजन भी हमें अपनी कमियों की याद दिला सकते हैं। वे अक्सर कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम यह कर सकते हो। अगर यह विचार इतना ही बढ़िया होता तो अब तक इसे किसी दूसरे ने क्यों नहीं किया। यह कभी कारगर नहीं होगा, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बोल रहे हो। शंका के ये तीर अक्सर इतने तीखे होते हैं कि हम काम शुरू ही नहीं करते हैं। हमारे दिल में डर बैठ जाता है, कई बार तो हमारी नींद भी उड़ जाती है, हम आगे कदम ही नहीं उठा पाते। इसीलिए हम सुरक्षित चीजों के साथ ही बने रहते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि अवसर हमारे पास से गुजर जाते हैं। हम जीवन को पास से गुजरते देखते हैं और अपने भयभीत दिल के साथ अकर्ण में अवस्था में बैठे रहते हैं। हम सभी ने अपने जीवन में किसी न किसी समय ऐसा महसूस किया है, कुछ ने कम तो कुछ ने ज्यादा। फिडेलिटी मेजिनल म्यूचुअल फंड के मशहूर मैनेजर पीटर लिंच आसमान गिरने की चेतावनियों को शोर कहते थे, जो हम सभी सुनते थे। शोर या तो हमारे दिमाग के अंदर उत्पन्न होता है या फिर ये बाहर में आता है। अक्सर मित्रों, परिवार वाले, सहकर्मियों और मीडिया से लिंच 1950 के दशक का यह वह समय याद करते हैं जब परमाणु युद्ध का जोखिम समाचार पत्रों में इतना ज्यादा प्रचारित किया गया कि लोग रक्षात्मक कक्ष बनवाने लगे थे और भोजन पानी इकट्ठा करने लगे थे। अगर रक्षात्मक कक्ष बनवाने की बजाय उन्होंने उन पैसों का शेयर बाजार में समझदारी से निवेश किया होता तो संभवतः आज ये आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होते। जब किसी शहर में हिंसा भड़कती है तो पूरे देश में रिवाल्वरों की बिक्री बढ़ जाती है। वाशिंगटन राज्य में एक व्यक्ति हैमबर्गर मीट से मर जाता है, जिसके बाद
एरिजोना हेल्थ डिपार्टमेंट सभी रेस्तराओं को आदेश देता है कि वे सभी तरह के मीट अच्छी तरह पकाएं। एक दवा कंपनी फरवरी में टीवी विज्ञापन देकर लोगों को सर्दी होते दिखाती है, नतीजा यह होता है कि सर्दी भी बढ़ जाती है और उस दवा की बिक्री भी। ज्यादातर लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि निवेश के मामले में संसार छोटे मुर्गों से भरा हुआ है जो चिल्लाते हुए घूम रहे हैं, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। और छोटे मुर्गों की बात का असर इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि हम में से प्रत्येक के भीतर एक छोटा मुर्गा रहता है। विनाश की अफवाहों की निराशा की बातों में आपके मन में शंका और डर पैदा ना हो, इसके लिए अक्सर भारी साहस की जरूरत होती है। लेकिन हर समझदार निवेशक जानता है कि सबसे बुरे दिखने वाला समय दरअसल पैसे बनाने के सबसे अच्छे समय होते हैं। जब बाकी सभी लोग कदम बढ़ाने से बहुत डर रहे होते हैं तो वे ट्रिगर दबा देते हैं और उन्हें पुरस्कार मिल जाता है। कुछ समय पहले रिचर्ड नामक एक मित्र किसी और मुझसे मिलने के लिए वाशिंगटन से फिनिक्स आया। वह शेयरों और रियल एस्टेटों में हमारे किए कामों से बहुत प्रभावित था। फिनिक्स में रियल एस्टेट के भाव मंदे चल रहे थे। हमने 2 दिन उसे मौके की कई रियल एस्टेट जायदादें दिखाई जहां हमारे हिसाब से कैश फ्लो और पूंजी वृद्धि के उत्कृष्ट अवसर थे। किम और मैं रियल एस्टेट एजेंट्स नहीं है, हम विशुद्ध निवेशक है। एक रिसोर्ट कम्युनिटी में एक यूनिट तय करने के बाद हमने एजेंट को फोन किया जिसे उस दोपहर रिचर्ड को वह मकान बेच दिया। 2 बेडरूम के उस मकान की कीमत सिर्फ $42,000 थी जबकि ऐसे ही मकान $65,000 में बिक रहे थे। उसे बढ़िया सौदा मिल गया था। रोमांचित होकर उसने इसे खरीद लिया और वाशिंगटन लौट गया। 2 सप्ताह बाद एजेंट ने हमें फोन करके बताया कि हमारा दोस्त पीछे हट गया है। मैंने तुरंत फोन लगाकर कारण मालूम किया। उसने बस इतना कहा कि उसका पड़ोसी उसे बता रहा था कि यह एक बुरा सौदा था क्योंकि वह इसे बहुत महंगे में खरीद रहा था। मैंने रिचर्ड से पूछा कि क्या उनका पड़ोसी निवेशक है। रिचर्ड ने इस बात से इनकार किया। जब मैंने रिचर्ड से पूछा कि उसने पड़ोसी की बात क्यों मानी तो वह रक्षात्मक हो गया और उसने बस यही कहा कि वह ज्यादा जांच पड़ताल करना चाहता था। फिनिक्स में रियल इस्टेट बाजार ने पलटी खाई और कुछ ही साल बाद वह छोटा मकान हर महीने $1,000 किराया देने लगा। ठंड के महीने में $2,500 मकान की कीमत अब बढ़कर $95,000 हो गई थी। रिचर्ड का तो बस $5,000 डाउन पेमेंट देना था और उसके चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती। वह आज तक कुछ नहीं कर पाया है। रिचर्ड के पीछे हटने से मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। इसे खरीदार का अफसोस कहा जाता है और यह हम सभी को प्रभावित करता है। छोटा मुर्गा जीत गया और स्वतंत्रता का अवसर चला गया। एक और उदाहरण देखें। मैं अपनी संपत्तियों का एक छोटा हिस्सा FD में बजाय टैक्स लियन सर्टिफिकेट्स में रखता हूँ। मुझे हर साल 16% की कमाई होती है जो निश्चित रूप से FD पर बैंक की ब्याज दर से ज्यादा होती है। सर्टिफिकेट्स रियल एस्टेट के कारण सुरक्षित होते हैं और राज्य के कानून द्वारा संरक्षित होते हैं और यह भी ज्यादातर बैंकों से बेहतर है। वे जिस फार्मूले पर खरीदे जाते हैं उसकी वजह से वे सुरक्षित होते हैं। बस उनसे तरलता यानी तत्काल बेचने की सुविधा नहीं होती, इसलिए मैं उन्हें 2 से 7 साल तक की FD मानता हूँ। हर बार जब मैं किसी को बताता हूँ कि मैं अपने पैसे को इस तरह रखता हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं कि यह खतरनाक है, खासतौर पर तब जब उनका खुद का पैसा FD में लगा हो। वे मुझे बताते हैं कि मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। जब मैं उनके पूछता हूँ कि उन्हें यह ज्ञान कहाँ से मिला तो वे किसी मित्र या निवेश पत्रिका का हवाला देते हैं। उन्होंने यह काम कभी नहीं किया है लेकिन वे वह काम करने वाले आदमी को बता रहे हैं कि उसे यह क्यों नहीं करना चाहिए। मैं 16% की न्यूनतम आमदनी की उम्मीद करता हूं, लेकिन शंका से भरे लोग इससे कहीं कम मुनाफे को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। शंका महंगी साबित होती है। मेरा मानना है कि यह शंकाएं और निराशावाद ही ज्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखता है और उन्हें सुरक्षा। असल संसार इंतजार कर रहा है कि आप अमीर बने, सिर्फ आपकी शंकाएं ही आपको गरीब रखे हुए हैं। जैसा मैंने कहा था, चूहा दौड़ से बाहर निकलना तकनीकी दृष्टि से आसान होता है, इसमें ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं होती, लेकिन अपनी शंकाओं के कारण ही ज्यादातर लोग निष्क्रिय रहते हैं और चूहा दौड़ से बाहर नहीं निकल पाते। अमीर डैडी कहते थे, निराशावादी कभी नहीं जीतते। अनियंत्रित शंका और डर के कारण इंसान निराशावादी बन जाता है। निराशावादी आलोचना करते हैं जबकि विजेता विश्लेषण करते हैं। अमीर डैडी स्पष्ट करते थे कि आलोचना आंखें बंद कर देती है जबकि विश्लेषण उन्हें खोल देता है। विश्लेषण से विजेताओं को यह देखने की अनुमति मिलती है कि आलोचक अंधे हैं। इसकी बदौलत वे उन अवसरों को भी देख लेते हैं जो किसी दूसरे को नहीं दिख पाते हैं और दूसरे लोग जिन मौकों को नहीं देख पाते उन्हें देखने की क्षमता हर तरह की सफलता की कुंजी है। जो भी व्यक्ति वित्तीय स्वतंत्रता चाहता है उसके लिए रियल एस्टेट एक शक्तिशाली निवेश साधन है। यह एक अनूठे निवेश साधन है, लेकिन जब भी मैं रियल एस्टेट के साधन का जिक्र करता हूँ
मुझे प्राय यह सुनने को मिलता है, मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता। इसी को पीटर लिंच शोर कहते हैं। इसी को मेरे अमीर डैडी निराशावादी के बहाने कहते थे। वह व्यक्ति जो आलोचना करता है और विश्लेषण नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग पर शंकाओं और डरों का पर्दा पड़ जाता है, जिस वजह से वह अपनी आंखें नहीं खोल पाता। जब कोई कहता है मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, तो मेरा मन होता है कि मैं पलटकर सवाल करूं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेरा प्रिय काम है। वे दरअसल ये कह रहे हैं कि जो उन्हें चाहिए टॉयलेट उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चूहा दौड़ से स्वतंत्र होने के बारे में बात करता हूं और उनका ध्यान टॉयलेट पर केंद्रित होता है। इसी विचार प्रक्रिया के चलते ज्यादातर लोग गरीब बने रहते हैं। वे विश्लेषण करने के बजाय आलोचना करते रहते हैं। अमीर डैडी कहा करते थे, तुम्हारी सफलता की कुंजी मैं नहीं करना चाहता मैं छिपी है। मैं भी टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए मैं एक प्रॉपर्टी मैनेजर खोजने के लिए अच्छी मेहनत करता हूँ जो टॉयलेट ठीक करने का काम संभाल ले। मकानों या अपार्टमेंट को संभालने वाला बेहतरीन प्रॉपर्टी मैनेजर खोजने से मेरा कैश फ्लो बढ़ जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बेहतरीन प्रॉपर्टी मैनेजर मुझे बहुत ज्यादा रियल इस्टेट खरीदने का मौका देता है, क्योंकि मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता। बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर रियल इस्टेट के क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। अच्छा मैनेजर खोजना मेरे लिए अच्छी रियल इस्टेट खोजने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बेहतरीन प्रॉपर्टी मैनेजर को अक्सर बेहतरीन सौदे के बारे में रियल एस्टेट एजेंट से पहले जानकारी मिल जाती है, जिससे वह और भी मूल्यवान बन जाता है। तुम्हारी सफलता की कुंजी मैं नहीं करना चाहता मैं छिपी है से अमीर डैडी का यह मतलब था, क्योंकि मैं भी टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने पता लगाया कि किस तरह ज्यादा रियल एस्टेट खरीदे जाए और चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया तेज की जाए। जो लोग लगातार कहते रहते हैं मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, वे अक्सर खुद को इस शक्तिशाली निवेश साधन से वंचित रखते हैं। उनके लिए टॉयलेट उनकी स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शेयर बाजार में मैं अक्सर लोगों को कहते सुनता हूँ, मैं अपने पैसे नहीं गंवाना चाहता। देखिए उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं या कोई दूसरा व्यक्ति पैसे गंवाना चाहता है। वे सिर्फ इसलिए पैसे नहीं बना पाते हैं क्योंकि वे पैसा ना गंवाने का चुनाव करते हैं। विश्लेषण करने के बजाय वे एक और शक्तिशाली निवेश साधन यानी शेयर बाजार की ओर आंखें मूंद लेते हैं। कुछ साल पहले मैं अपने मित्र के साथ नजदीकी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था। उसने बोर्ड पर नजर डालकर देखा कि गैस का भाव ऊपर जा रहा था और ऑयल के भाव का भी यही हाल था। मेरे मित्र चिंता का कीड़ा या छोटा मुर्गा है, उसके हिसाब से आसमान हमेशा गिरने वाला होता है और यह आमतौर पर उसी के सिर पर गिरता है। जब हम घर लौटे तो उसने मुझे तमाम आंकड़े दिखाए कि तेल का भाव अगले कुछ साल में ऊपर क्यों जाने वाला है। मैंने वे आंकड़े पहले कभी नहीं देखे थे, हालांकि मेरे पास एक ऑयल कंपनी के काफी सारे शेयर पहले से ही थे। यह जानकारी मिलने के बाद मैंने तुरंत एक नई सस्ते शेयर वाली ऑयल कंपनी खोजी जो तेल के कुछ भंडार खोजने वाली थी। मेरा ब्रोकर इस नई कंपनी को लेकर खासा रोमांचित था और मैंने 65 सेंट प्रति शेयर के भाव पर 15,000 शेयर खरीद लिए। 3 महीने बाद वही दोस्त और मैं उसी गैस स्टेशन के पास से गुजरे। निश्चित रूप से प्रति गैलन भाव लगभग 15% बढ़ गए थे। एक बार फिर छोटा मुर्गा चिंता करने लगा और शिकायत करने लगा। मैं मुस्कुराया क्योंकि एक महीने पहले ही उस छोटी ऑयल कंपनी ने तेल भंडार को खोज लिया था और उसके सलाह देने के बाद उस शेयर का भाव $3 से ज्यादा बढ़ गया था। और अगर मेरे दोस्त की कही बात सच है तो गैस के भाव बढ़ते रहेंगे। अगर लोग यह समझ लें कि शेयर बाजार के निवेश में स्टॉप कैसे काम करता है, तो ज्यादा लोग हार से बचने के लिए निवेश करने के बजाय जीतने के लिए निवेश करने लगेंगे।